हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव एमटीआर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हीरो की ग्लैमर 125 BS6 2020 मॉडल के बारे में। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस कितना है, माइलेज कितना है और इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों BS6 आने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस गाड़ी का जो वाइजर और हेडलैम्प है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है BS6 आने पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर की विंड स्क्रीन का ग्लास मिल जाता है। इसके नीचे आपको प्लास्टिक की एक डिजाइन सी भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती है। इसके ऊपर आपको जो है हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है। एक बड़ी सी नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। इसमें आपको 35 वाट का बल्ब मिल जाता है। इसके साथ ही ऊपर की साइड में भी आपको जो है ब्लैक कलर में एक काफ़ी शानदार डिज़ाइन मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं शार्प टाइप। इसके बाइजर पे आपको जो है ब्लैक कलर में आपके ग्राफिक्स मिल जाते हैं दो छोटे छोटे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। इस गाड़ी में आपको जो है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। सस्पेंशन पर आपको जो है दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। मडगार्डर की बात करूँ तो मडगार्डर भी आपका जो है दो कलर में मिल जाता है, रेड ब्लैक कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजाइनेबल है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। इसमें आपको IBS का लोगो मिल जाता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर आप फ्रंट या रियर की कोई भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी दोनों ब्रेक इस गाड़ी में एक साथ काम करती हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। बात करूँ इस गाड़ी के टायर के साइज की तो 80/118 नंबर का टायर का साइज मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इस गाड़ी में, आपको TBS कंपनी के टायर मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें आपको TBS कंपनी के टायर मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। करें इस गाड़ी के मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का आपको यहाँ पे मीटर मिल जाता है। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है, इकोनॉमी जोन मिल जाता है, माल फंक्शन की लाइट मिल जाती है। इसके साथ ही ट्रिप को एडजस्ट करने का अलग से मीटर भी मिल जाता है। फ्यूल इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, साइड स्टैंड की इंडिकेशन लाइट भी मिलती है। हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है गाड़ी के हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। इसके साथ ही आपको जो है पासिंग का स्विच यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है गाड़ी के हॉर्न को स्विच मिल जाता है। इसके साथ ही हैंडल बार रॉड मिलती है आपको जो है ब्लैक कलर की फिनिश के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। I3S की बटन मिल जाती है। इंजन को इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है ब्लू कलर में। बात करें इस गाड़ी के फ्यूल कैपेसिटी को लेकर, तो 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है इसमें आपको। इस गाड़ी के इंजन और पावर की, तो इसमें आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 10.87 PS एट 7500 RPM पे। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 10.6 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पे। बात करूँ इस गाड़ी के माइलेज की, तो 55 किलोमीटर पर लीटर कंपनी इस गाड़ी का माइलेज क्लेम करती है। अगर आप इसको इकोनॉमी जोन में चलाते हो तो ये गाड़ी आपको 60 से 65 का माइलेज आराम से दे सकती है। जो है प्रोग्रामेड FI का स्टिकर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बाइक है, इसमें आपको पहले से ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है BS4 के मुकाबले में। 5 से 10% ये गाड़ी जो है आपको पहले से ज़्यादा माइलेज देने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका जो इंजन है वो पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश में दे रखा है। पूरा इंजन इस गाड़ी का जो है चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें आपको जो है आने के बाद इस गाड़ी में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। इसमें आपको जो है इंजन भी चेंज हो चुका है और बहुत सारे मेजर चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न भी मिलता है। जब आप गाड़ी को परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको जो है एक लेग गार्ड भी लगाकर दिया जाएगा। इसमें आपको इस गाड़ी के हेड पे आपको जो है दिख रहा है वो है ऑक्सीजन सेंसर, जो कि सभी BS6 गाड़ियों में अभी रिसेंटली सभी में लगकर आ रहा है। इसके दूसरी साइड चलूँ मैं आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी के इंजन को दूसरी साइड से, यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का स्पार्क प्लग है कुछ इस टाइप से दे रखा है। इसमें यहाँ पे आपको गाड़ी के कैटलिटिक कन्वर्टर दे रखा है। इसके साइलेंसर पे आप देख सकते हो, और गाड़ी का जो इंजन है वो पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश में दे रखा है। इसमें आपको जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पूरा का पूरा दे रखा है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक तरीके से गाड़ी का जो फ्यूल है वो सप्लाई होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगाई गई है, जिससे आपको जो है पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं माइलेज सबसे ज़्यादा मिलने वाला है और गाड़ी प्रदूषण भी कम करेगी। सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी में ये भी हुआ है कि इसमें आपको जो है ऑयल फिल्टर का ऑप्शन अब बाहर की साइड कर दिया गया है। ये पहले आपको BS4 बाइक में नहीं देखने को मिलता था। इसके साथ ही नीचे की साइड में आप देख सकते हो, इसके नीचे भी आपको जो है गाड़ी के इंजन ऑयल को डालने का कैप यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से आप इंजन की
ऑयल की जो क्वांटिटी वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके साथ ही जो गाड़ी का सेल्फ है, यहाँ पे थ्रोटल बॉडी सेंसर यहाँ पे आपको दिया गया है, बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए गए हैं। सर की बात करूँ तो दोस्तों इसमें आपको जो है एक बड़ा सा मस्कुलर टाइप का एक बड़ा सा साइलेंसर मिल जाता है, जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर की शाइनी टाइप की एक प्लेट भी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके ऊपर दो क्रोम में बोल्ट भी मिल जाते हैं, एडजस्टेबल फुटरेस्ट भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में आपको। शॉकर की बात करूँ तो इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में। ये शॉकर जो है आप एडजस्ट कर सकते हो पेचकस से अपनी वेट और डिमांड के हिसाब से। बात करो इस गाड़ी के टायर की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बड़ा सा कुछ चौड़ा सा आपको टायर मिल जाता है। साइज़ की बात करूँ तो 180/18 का इस गाड़ी में आपको टायर और एलो व्हील्स मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं TBS कंपनी के। इसकी जो ग्रिप है वो आपको यामा फेजर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो टायर आते हैं उसकी जैसी ग्रिप मिलती है। अब टेल लैंप की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ मस्कुलर सी यहाँ पे आपको जो है टेल लैंप मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है नीचे की साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नेम प्लेट लगाने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। नॉन फ्लेक्सिबल इस गाड़ी में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, इसके साथ ही लंबा सा मड गार्डर मिल जाता है। टेल लैंप के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है हीरो का स्टिकर मिल जाता है वाइट कलर का। ब्लैक फिनिश में आपको जो है टेल लैंप के ऊपर एक फिनिश मिल जाती है प्लास्टिक में। इसके साथ ही यहाँ पे भी आपको जो है हीरो का और i3S का स्टिकर मिल जाता है। एक अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ भी आपको मिल जाती है। इसके साथ ही क्रोम एंड रेड में आपको जो है शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे आपको टेबल फुटरेस्ट और साइड में आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाता है ब्लैक कलर का। इसके साथ ही चैन सेट के कवर की बात करूँ तो प्लास्टिक के रूप में इस गाड़ी का जो चैन सेट का कवर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ड्राइव चैन यहाँ पर जो आपका गाड़ी के फ्रिक्वेशन सावधानियाँ दे रखी हैं गाड़ी के चैन सेट को कवर करने के लिए। इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको जो है 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 5 गियर मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पिकअप और माइलेज के हिसाब से। इसके साथ ही आप गाड़ी के इंजन को देख सकते हो, पूरा का पूरा ब्लैक है। प्रोग्रामेड FI का यहाँ भी आपको स्टिकर मिल जाता है। बात करूँ इसके थोड़े से लुक के डिज़ाइन को लेकर तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो फ्यूल टैंक की जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। हीरो हंक से मिलती जुलती इस गाड़ी की जो फ्यूल टैंक की जो डिज़ाइन है, बड़े बड़े काउल्स दे रखे हैं, ग्लैमर का स्टिकर भी मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। अब बात करूँ दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल टैंक की जो प्रिकॉशन सावधानी यहाँ पे आपको दे रखी है, कुछ राउंड शेप में आपका जो है फ्यूल टैंक का ढक्कन मिल जाता है। करूँ दोस्तों इस गाड़ी के वेरिएंट को लेकर तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। अगर दोस्तों ड्रम ब्रेक के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो अगर आप BS6 ड्रम ब्रेक लेते हो तो 82,837 रुपीज़ इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मथुरा का है। अगर आप इसको BS6 डिस्क ब्रेक में लेते हो तो 86,754 रुपीज़ इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मथुरा का है। तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट के हिसाब से ऑन रोड प्राइस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मेरे को एक बार जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।